गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आयम्स कॉर्नर। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माई पर्पल हॉल। सो मेरा बर्थडे भी आने वाला है। अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो आपको पता होगा मेरा बर्थडे कब है। सो उसके लिए मेरी बहुत सारी शॉपिंग हो रही है। ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये आपको बर्थडे ब्लॉग के बाद ही मिलने वाला है। और मैंने क्या क्या लिया है मैं पहले से शूट करके रख ले रही हूँ, बर्थडे के बाद ही आपको ये ब्लॉग मिलने वाला है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरी टंग भी स्लिप हो रही है आज, मतलब मैं बोल नहीं पा रही, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आज गाइस। सो या अभी मैं डे लाइट में शूट कर रही हूँ तो कुछ ज़्यादा रोशनी आ रही है, बट या एंड आज का जो मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप किया उतना कुछ ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन आज ना मेरा दिन ख़राब था, इतना प्रॉब्लम हुआ है आज ना, मतलब पता नहीं यार हड़बड़ी में गड़बड़ी बोलते ना वही हो गया है मेरा। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस हॉल विथ यू गाइज। सो या अगर हॉल पसंद आता है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, बिल्कुल फ्री है, फ्री फ्री फ्री। या सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरा ऑनलाइन पर्पल तो ऑनलाइन ही होता है ऑनलाइन हॉल पर्पल हॉल। सो इस टाइप की ये कार्टून के बॉक्स में आया है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब है गाइस, काफ़ी ख़राब है, पहली बार ऐसा है। और पर्पल की मेरी एक खास बात ये लगती है कि ये ना टाइम से पहले डिलीवरी दे देता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज थोड़ा आता रहेगा, डे लाइट में शूट कर रही हूँ, कुछ कर नहीं सकते। सो ये बॉक्स को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए चाकू। चलिए चाकू से खोलते हैं, चाकू से। या ये सो लेट्स सी क्या निकलता है। सबसे पहले तो बबल रहे बहुत सारे, बाबू इसके साथ खेलता रहता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये है लिपस्टिक का सेट और सिंदूर का सेट, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। सो यहाँ भी मुझे रिसीव हुए हैं NYB के 2 मैट लिपस्टिक विथ आर्गन ऑयल। तो ये है NYB के लिपस्टिक और एक का शेड है पैसे और एक का शेड है डिज़ाइनर स्पॉटलाइट, तो ये शेड है। सो या ये NYB के 2 लिपस्टिक एंड ये है कलर बार का लिक्विड सिंदूर एंड ये 2 लिपस्टिक। सो या नेक्स्ट फिर से एक बबल रैप में मुझे रिसीव हुआ है। सो लेट मी कट आउट। या सो ये मुझे मिला है फिटमी का 128 शेड नंबर है फाउंडेशन। तो इसका एक मेरे पास 220 समथिंग था, वो बहुत डार्क होता था, जब भी वो फाउंडेशन लगाती थी मेरी स्किन ना पूरा काला, मतलब चेहरा काला दिखता था, फेस पूरा डल हो जाता था। सो या गाइस ये मैंने शेड नंबर 128 लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए। थोड़ा लाइट है बट इसके जो फाउंडेशन थोड़े ऑक्सीडाइज होते हैं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। एंड ये एक है स्टे क्वर्की के लिक्विड लिपस्टिक किस एंड टेल। सो इसका शेड नंबर है T1। ये बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है गाइस। सो इसे मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, अभी मैं फटाफट से दिखा देती हूँ और क्या क्या आया है। एंड ये लास्ट बबल रैप है और इसमें आया है, पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है गाइस। पर्पल से आप कुछ भी सामान मंगवाते हैं ना तो मतलब टूटने उठने का डर नहीं रहता है, मतलब मैं तो बहुत टेंशन ली रहती हूँ। सो ये एक है NYB का काजल, मैंने ऑर्डर किया है ये NYB का काजल और ये काजल है वाइट काजल। एंड ये दूसरा है NYB का काजल, ये है ब्लू काजल। तो ये 2 काजल मैंने ऑर्डर किए थे। देन सेकंड है NYB के आईलाइनर। ओके ओ या सॉरी कोई भी मिसिंग नहीं, मैं मतलब ये NYB का ब्लू आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। और ये जो आईलाइनर है इसे मैंने परचेज नहीं किया है, ये मुझे एज अ फ्री गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है, लगता है मेरे बर्थडे था ना इसलिए सबको पता चल गया होगा तो फ्री गिफ्ट मिल गया। जस्ट जोकिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं, आप एक सर्टन अमाउंट तक लेते हो तो उसमें आपको फ्री गिफ्ट मिलता ही है, सबको मिलता है बर्थडे हो या ना हो। सो या
लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर, जिसको बहुत सिंपल होता है मेरी तरह, एंड जिसको मतलब फ्रेश ग्लो, वो जैसे खुशबू वाली आता है ना एकदम सुगंधित, जिसको टोनर कहते हैं वो ये है। एंड मेरे पास एक है वो है टी ट्री का, वो भी बहुत अच्छा है, ये ग्रीन टी का है। सो ये इसको मैं यूज़ करूँगी, देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका रिव्यू। सो या गाइस इतने थे बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। चलिए मैं सबसे पहले लिपस्टिक के स्वॉचेस दिखा देती हूँ आपको। सो सबसे पहले मैं स्टेक वर्की का दिखाती हूँ, जो कि है टीज वन। या एज यू कैन सी हियर टीज वन। सो चलिए, काफ़ी मस्त टाइप की पैकेजिंग रहती है गाइस इसमें। ये निकल जाओ, निकली तो नहीं, फट जरूर गई, कोई नहीं। ओ बच गया। सो या गाइस ये है ये स्टेक वर्की का टीज वन लिपस्टिक। इसका शेड की अगर हम बात करें तो इसका शेड मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने यहाँ पे दिखाऊंगी। ओके ओ वाओ, मतलब इसमें ज़्यादा ना निकले करके इसमें एक मतलब रबर टाइप का कुछ दिया ताकि जितनी ज़रूरत हो उतनी निकले। सो इस तरह का कुछ एप्लीकेटर दिया है। स्मेल सो गुड गाइस, ओ चलिए देखते हैं। या सो दिस इज द शेड। या सो गाइस एज यू कैन सी दिस इज द शेड, ब्यूटीफुल रेड काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा रेड रेड नहीं है, रेड ब्राउन का हिंट है और बहुत अच्छे लगेगा। ये लिप्स पे कितना अच्छा लगेगा ना गाइज, इसे मैं जरूर लगा के दिखाऊंगी आपको किसी वीडियो में। सो ये है टीज वन। सो नेक्स्ट है NYV के लिप, ये है NYV की मैट लिपस्टिक विथ आर्गन ऑयल। ये बुलेट लिपस्टिक है बेसिकली, ये लिक्विड लिपस्टिक नहीं है। सो लेट्स सी, तो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती है और इसकी अगर ये रहता है 4.5 ग्राम का है, 175 रुपीज़ MRP लिखी है, लेकिन MRP 175 रुपीज़ नहीं है। और जिस हर एक प्रोडक्ट की MRP मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, मतलब ये डिस्काउंटेड पे है जब मैंने लिया था। सो अभी थोड़ा केस हो सकता है। एंड ये स्टेक वर्की का था, 2.8 ml था, 235 का, बट यस ये भी थोड़ा कम में ही मिला था मुझे डिस्काउंट में। एंड ये है 4.5 ग्राम्स, 175 रुपीज़। ओके सो ये 2 साल तक एक्सपायर डेट है, मतलब 2022 में ये एक्सपायर होगा, 2020 का प्रोडक्ट है। तो या इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये है NYBA का पासे एट। ओके सो लुक एट द पैकेजिंग गाइस, कितना सुंदर है ना, गोल्डन कलर का, बहुत प्यारा है। ओके सो ये इतना आता है। ओके चलिए ये भी देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। सो तो इसका शेड कुछ ऐसा है, मतलब ये थोड़ा रेड मैरून में जा रहा है, ये देखिए। सो ये थोड़ा रेड मैरून में जा रहा है, पार्टी वेयर लुक, या फिर कोई भी आप ऐसे ड्रेसअप करते हैं, या फिर आप जब भी स्मोकी आइज करते हैं तो आप रेड लिपस्टिक लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो या ये है। नेक्स्ट NYBA का एक और लिपस्टिक है, ये भी सेम है, मैट लिपस्टिक है। तो ये है इसकी पैकेजिंग, NYBA मैट लिपस्टिक विथ आर्गन ऑयल। एंड ये है डिज़ाइनर स्पॉटलाइट 2। ओके तो अगर इसकी बात करें तो ये भी सेम पैकेजिंग है। देन सो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, स्मज प्रूफ नहीं है, ये स्मज होता है,
हल्का फुल्का। इसमें मैट लिखा है बट मैट ये नहीं है, ये स्मच होता है। सो और ये जो स्टेक वर्की का है ये स्मच प्रूफ है, लेकिन हल्का भी, ये ड्राई भी नहीं हुआ है, सो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। तो जब मैं इसे यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा है। सो ये है वो शेड। सॉरी गाइस, थोड़ा सा साउंड हो रहा था इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। सो ये है वो शेड्स। देन अगर हम बात करें काजल की, तो काजल की बात कर ही लेते हैं। सो ये है वाइट काजल, लेट मी ओपन इट। ओके गाइस, सो इसे मैंने बहुत मुश्किल से खोल लिया है एंड ये है वाइट काजल। मुझे बहुत शौक था वाइट काजल का, तो इसमें अप्लाई करती हूँ। वाओ, या मिरर नहीं है तो मैं अच्छे से लगा भी नहीं पा रही, बट या बहुत अच्छा है। सो इसे मैं भी करके दिखाती हूँ। साइनी सा वाइट रहेगा, एज यू कैन सी बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। ओके गाइस, सो ब्लू काजल को भी मैंने ओपन कर लिया है एंड ये है NYB की ब्लू काजल। और ये बहुत ही एक वैसा ब्लू नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का ब्लू है। सो इसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ब्लू, बहुत प्यारा है। इसे आप ना मतलब इधर भी लगाएंगे ना और बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप आउटर, as you can see, पूरा लुक ही चेंज कर दिया। या तो ये आई नो ये अच्छे से नहीं लगा है बिकॉज मेरे पास अभी मिरर नहीं है, बट या बहुत अच्छा काजल है, ये बहुत अच्छा काजल है। स्मज होता है बट ठीक है, गुड वन। तो या गाइस, यही था। और सबके जो प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दी हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। वैसे ये काजल है 86 रुपीज़ का, ये काजल एक काजल मुझे पड़ा है। ओके गाइस, सो आई थिंक मैंने सब कंप्लीट कर दिया है, कुछ तरह तो नहीं किया। अरे ये देखो, ये तो छिप गया था ब्लू जो मुझे फ्री गिफ्ट मिला है पर्पल लालों ने, ये मेरे बर्थडे का फ्री गिफ्ट जो भेजा है मुझे। सो इसे भी मैं दिखा देती हूँ। नया ख्याल रखते हैं यार पल पल वाले, पल पल दिल के पास हो गया पल पल आप तो। वाओ, सो गाइस लुक एट दिस काजल, इसके जो टिप है ना इससे तो प्यार हो गया है। सो ये काजल स्मच हो जाता है एंड ये लिपस्टिक भी स्मच हो रहा है, स्टेक वर्की का जो लिपस्टिक है। ओके गाइस, सो स्टेक वर्की का जो लिपस्टिक है ये स्मज प्रूफ है, तो ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये जो लिपस्टिक है स्टेक वर्की का, ये बाकी मैट है। बात रही इस काजल की, तो ये है ब्लू कलर का काजल। से आप जितना चाहें उतना पतला लाइनर लगा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एंड या नाइस प्रोडक्ट देख सकते हैं आप। सो या दिस इज इट फॉर टुडे। तो या गाइस, तो इसका रिव्यू मैं कुछ दिन बाद शेयर करूँगी जब मैं इसे यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। तो या आज के लिए पर्पल वॉल इतना ही था, होप आप सबको पसंद आया होगा। ये था मेरे बर्थडे के गिफ्ट्स, जिसका एक झलक आप देख ही चुके हैं मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।